Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we solve the problems of exercise 15.1 chapter probability of 10th class mathematics. So let us start with question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See in figure 15.4. What is the probability that the fish taken out is a male fish? Aquarium वो होता है जिसके अंदर मछलियाँ पाली जाती हैं अपने घर के अंदर. तो जो दुकानदार होता है वो एक मछली को randomly टैंक के अंदर से निकालता है जिसके अंदर 5 male और 8 female fish हैं. टोटल उसके अंदर 13 फिश हैं, 5 मेल और 8 फीमेल. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द फिश टेकन आउट, जो फिश उसने निकाली है वो एक मेल फिश है, यानी मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. मेल फिश हमारे पास है 5, फीमेल फिश हैं 8, तो टोटल फिश हमारे पास हैं इक्वल टू 5 + 8 13, 13 फिश टोटल एक्वेरियम के अंदर, सॉरी टैंक के अंदर. तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 13. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. अब जो मेल फिश है उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास, मेल फिश के लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है 5, क्योंकि मेल फिश टोटली 5 है. तो 5 हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 13. तो मेल फिश आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 5/13, यही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सी फिगर 15.1 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट फर्स्ट पार्ट 8, सेकंड एन ऑड नंबर, थर्ड ए नंबर ग्रेटर देन 2, फोर्थ ए नंबर लेस देन 9. तो इस क्वेश्चन में बच्चों एक गेम है चांस का, गेम ऑफ चांस है जिसके अंदर एक स्पाइनर है जो घूमता है और इसके ऊपर एक एरो का निशान है जो किसी नंबर के आगे आके रुकता है, नंबर है 1 से लेकर के 8 तक. और ये सभी जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है अलग अलग से कि 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये जो एरो का निशान है, जो एरो है ये 8 के आगे आके रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. दूसरा एक ऑड नंबर कि आगे रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. थर्ड है एक नंबर जो 2 से बड़ा है उसके आगे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या कोई भी नंबर जो 9 से छोटा है ये एरो उसको इंडिकेट करेगा उसके सामने रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 8, क्योंकि उस पर जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर के 8 तक हैं. सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 8 की. अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर के 8 तक हैं, तो 8 की प्रोबेबिलिटी के अंदर 8 के लिए फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, 8 इंडिकेट करने की जो के लिए जो फेवरेबल केसेस हमारे पास वो 1 ही होगा, क्योंकि इसमें 8 सिर्फ 1 टाइम लिखा हुआ है. अपॉन टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 8, तो 1/8 हो जाएगा. ऑड नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे 1, 3, 5, 7. तो ऑड नंबर्स के फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 4. ऑड नंबर्स के लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास हैं 8. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड एंड ओड नंबर इज इक्वल टू 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2.
क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर के फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स हमारे लिए हमारे पास हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 8, तो 4/8 थर्ड पार्ट है। ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर्स ग्रेटर देन 2, दो से बड़े नंबर हमारे पास हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेज हैं 6 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं 8, तो 6/8 या 3/4 ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है ए नंबर लेस देन 9, तो नंबर्स लेस देन 9, अब 9 से छोटे नंबर तो सभी हमारे पास हैं, जितने भी नंबर हैं उसके ऊपर एक से लेकर के और 8 तक, ये सभी के सभी क्या हैं 9 से लेस हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 8 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस 8 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 8, तो 8/8 यानी 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या एक नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। थर्ड है एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर को के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है हमें। बच्चों डाई को एक बार फेंका गया है, तो डाई को अगर एक बार फेंकते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6, इसको आपने याद रखना है कि अगर डाई को एक बार फेंका जाता है तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6, और अगर डाई को दो बार फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 6 × 6 = 36। अब यहाँ पर जो डाई उसके ऊपर एक से लेकर के 6 तक लिखा होता है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा हमसे एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बच्चों प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं एक से लेकर 6 तक, प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग ना हो, या जिनका जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो, वो कहलाएंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास 1 से लेकर के 6 तक प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2, 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 3/6, क्योंकि प्राइम नंबर के फेवरेबल आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 3, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं 6, तो 3/6 यानी 1/2। यहाँ पर नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 हमारे पास है 3, 4 एंड 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इज इक्वल टू 3/6, क्यों, क्योंकि नंबर लाइंग्स बिटवीन 2 एंड 6 इसके लिए हमारे पास फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 3, 1, 2, 3, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास है 6, तो 3/6 1/2। थर्ड पार्ट में है एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ऑड नंबर हमारे पास हो जाएंगे 1, 3, 5, और नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 1, 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं 1, 2, 3, 3/5,
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम जो हमारे पास है 6, 3 अपॉन 6, 1 बाय 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ए किंग ऑफ रेड कलर, सेकंड ए फेस कार्ड, थर्ड ए रेड फेस कार्ड, फोर्थ द जैक ऑफ हार्ट्स, फिफ्थ ए स्पेड, सिक्स्थ द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो कार्ड्स के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर के इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 52। तो पॉसिबल आउटकम्स टोटल हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 52। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो बच्चों कार्ड्स के अंदर जो रेड कलर के किंग होते हैं वो हमारे पास होते हैं दो, एक डायमंड और एक हार्ट, एक डायमंड के और एक हार्ट के दो किंग होते हैं रेड कलर के। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू, फेवरेबल केसेस हमारे पास हैं 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ या ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 52। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 26। सेकेंड पार्ट है फेस कार्ड, फेस कार्ड हमारे पास हो जाएंगे उसके अंदर 12, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और एक के अंदर तीन तीन, तो ये हो जाएंगे 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास है 12 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 52। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन 13। थर्ड पार्ट है ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 और 3 6 3 और 3 6 6 हमारे पास रेड फेस कार्ड होंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। ये हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन 26। फोर्थ पार्ट है जैक ऑफ हार्ट्स, तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स हमारे पास हो जाएंगे 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन 52, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास है एक, जैक ऑफ हार्ट्स सिर्फ एक होता है, और टोटल है हमारे पास 52, तो 1 अपॉन 52, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है स्पेड, स्पेड हमारे पास होते हैं 13, तो पी ए स्पेड इज इक्वल टू 13 अपॉन 52, 1/4। सिक्स्थ पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स हमारे पास 1 होती है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल टू, फेवरेबल केसेस हैं क्वीन ऑफ डायमंड्स के लिए, फेवरेबल केसेस हमारे पास हैं 1 और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास 52, तो 1 अपॉन 52। 15th क्वेश्चन है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड आउट पिक्ड अप एट रैंडम, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, सेकेंड इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एग्स एर ए क्वीन।
फाइव कार्ड्स हैं, 10 जैक क्वीन किंग एंड एक्स, ये हैं डायमंड्स के फाइव कार्ड्स हमारे पास हैं। उनको अच्छी तरह से फेंटा गया है, उनको उल्टा करके वन कार्ड, एक कार्ड उसके अंदर से रेंडमली निकाल लिया जाता है, जिसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो पिक्ड किया है वो कार्ड क्या होगा, क्वीन होगा। सेकंड, क्वीन को इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को ड्रा कर लिया जाए और उसको एक साइड में रख दिया जाए, और फिर एक सेकंड कार्ड, अगला कार्ड या दूसरा कार्ड निकाला जाए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक एस आएगा या फिर एक क्वीन आएगा। फाइव कार्ड्स हमारे पास है डायमंड्स के, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5, हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 5, क्योंकि 5 कार्ड्स हैं डायमंड्स के हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी क्वीन। अब इन कार्ड्स के अंदर, इन 5 कार्ड्स में से हमारे पास क्वीन है सिर्फ 1, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर क्वीन इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 5, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज इक्वल टू, अब 5 कार्ड्स थे हमारे पास, उसमें से एक कार्ड क्वीन को ड्रा करके एक साइड में रख दिया, हमारे पास कार्ड बच गया अब सिर्फ कितने, 4 कार्ड्स, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स अब हो जाएंगे हमारे पास 4, और एक्स के फेवरेबल केसेस हमारे पास हैं 1, क्योंकि हमारे पास एस है वो 1 है, तो 1/4 ये हो जाएगा। बी पार्ट में है एक क्वीन, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर उसके अंदर से हमने क्वीन को पहले ड्रॉ कर लिया और उसको एक साइड में रख दिया है, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो वहाँ पर अब क्वीन है ही नहीं, तो उसको हम जब उसके अंदर से हम ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर क्वीन तो आएगी नहीं, कन्फर्म है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर क्वीन इज इक्वल टू 0।